हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म भरे। मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बता दें, यहां पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की तरफ से बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, जिसका फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है 29 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ है, जिसका लास्ट डेट 19 मई 2023 को होने वाला है, और जो आपका फीस है उसी 19 तारीख को ही आपको सबमिट करना है। जनरल OBC EWS की फीस जो होने वाली है 10+2 कि जो 10 या 12 की जो पोस्ट है वो 1500 है, लेवल 6-7 के लिए 1200, लेवल 2-5 के लिए 1000, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ फीस 0 होने वाली है। मिनिमम एज इसके लिए कोई नहीं है, मैक्सिमम एज आप 27 से 50 जो है इसके बीच रख आपका रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका जो पोस्ट मिल जाता है कि नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट और रिजल्ट इतना है, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है 10th है, ITI है, 10+2 इंटरमीडिएट है, UG PG पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी है। इसका मैं जो नोटिफिकेशन है वह मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से आसानी से जो है चेक करके आप आसानी से ही फिल कर सकते हैं। उसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दूंगा, वहां से आप इजीली चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा घंटी सब बजा लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट आने के बाद दोस्तों आपको मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लेना है, जिससे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है छोटी हो जाती है और फॉर्म भरने में आसानी होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे user ID पासवर्ड और कैप्चा पूछता है। जैसा कि मैं न्यू कैंडिडेट हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट हैव अकाउंट, तो यहाँ पर साइन अप करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना जो है ईमेल ID यहाँ पे, फिर वही ईमेल ID और पासवर्ड। और मैं पासवर्ड हमेशा बताया हूँ आपको, हमेशा सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। जैसे आपका नाम अमित है तो कैपिटल A रखिए, बाकी स्मॉल में MIT@123 इतना आप रखेंगे, आपका ये आसानी से जो है पासवर्ड ले लेगा। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आपका नाम हो, एग्जाम्पल तौर पर विजय, विनय कुछ भी है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो अगले 6 महीने तक आप यूज कर रहे हैं, परमानेंट हो, वही आप जो है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक कोड डाल के आपको यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही यहाँ पर साइन अप आप करेंगे, उसके बाद आपके मेल पर, जैसा कि मेरे मेल पर यहाँ पर आ चुका है, मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आ चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर कैप्चा डाल के आपको यहाँ पे साइन इन करूँगा। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे कैप्चा आप जब डालेंगे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनका कैप्चा बहुत खतरनाक बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स बता दें आपको, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करने पे आएंगे, लॉगिन आपका अगर एक आध दो बार आप ट्राई कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो आपका एक मेल आया होगा, मेल पर एक लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना है और अपने क्रोम ब्राउजर पर आना है, उसके बाद ओपन करेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पोस्ट का मिल जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। आपको अपना जो एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार आपको अपना पोस्ट चूज कर लेना है। और ये यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ITI किया हूँ, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपको करना है NCERT कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको यहाँ पर कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका शो हो रहा है पहला वही रहेगा। कैंडिडेट कैटेगरी यहाँ पर आप जो अपनी जो कैटेगरी है यहाँ पे चूज करेंगे, चूज के लिए यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अनरिजर्व जनरल EWS रहेंगे तो आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी, अगर SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे फीस नहीं होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे ये PWD क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब कि आपके शरीर में जो कोई दिक्कत है उसका सर्टिफिकेट होता है, विकलांग हैं कि कुछ और है दिक्कत, वो उसके लिए होता है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि विजुअली मतलब आपको देखने में दिक्कत है, मल्टीपल हैंडीकैप है कि ऑर्थो आपके पैर वगैरह दिक्कत है, हियरिंग है क्या है, ये आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं तो दोस्तों यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, इंस्ट्रक्शन पर क्या करना है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चेक वैकेंसी पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई करने का यहाँ पे 2 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे आपका नाम जो आपका रहेगा, मिस्टर, जैसे आप अगर
लड़के हैं तो यहाँ पे आप मिस्टर लगाएंगे, और लड़की हैं तो मिस्टर, अब ये डॉक्टर वगैरह आप जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमें एक लड़की का भर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मिस लगाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम पे आपका जो लड़की का नाम रहेगा, जो आप कैंडिडेट का नाम रहेगा, वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। अगर उसका मिडल नाम भी है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल है, अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जेंडर फीमेल में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैं फीमेल का भर रहा हूँ तो यहाँ पे फीमेल आपका जो जेंडर रहेगा वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से आसानी से आप जो आपका है यहाँ पे आप आसानी से फिल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं अपना भर रहा हूँ 26 जुलाई, 26 जुलाई, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है दोस्तों, अगर आपकी शादी हुई तो आप मैरिड क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, यहाँ पे आपको एक देना पड़ेगा। यहाँ पे अपने पैन कार्ड का नंबर आप जो है हो सकता है सबके पास होगा तो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर हस्बैंड का नाम लिख लेना है, जो भी अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे जो आपके फादर का नाम रहेगा वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने मदर का नाम लिख देना है, जो भी आपके मदर का नाम हो ये आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंट्री कोड में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बहुत सारा यहाँ पे कंट्री कोड मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इंडिया सर्च करेंगे, INDI, तो यहाँ पे आपका इंडिया जो है यहाँ पे आ जाता है +91 करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर कंट्री कोड आपको एक मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ये तो ऑप्शनल है दोस्तों, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिलीजन में आपको आ जाना है, आप जिस धर्म से यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस भरना है। अब आप एड्रेस क्या भरेंगे, जो आपका पहला आपके गाँव का नाम रहेगा वो एंटर कर सकते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पे हाउस संख्या यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या, यहाँ पे आप अपने पोस्ट या जो आपका लोकेलिटी है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो आपकी लोकेलिटी हो वो आप यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने कंट्री का नाम यहाँ पे आपको फिर से चूज कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया आपको सर्च करना है, INDI, जैसे इंडिया सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंडिया आपका यहाँ पे आएगा। सुबह दोस्तों यहाँ पे जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यहाँ पे यूपी कर लेता हूँ। सिटी का नाम यहाँ पे आपका लिख लेना है, सिटी मतलब आपका जो जिला है वो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना एरिया का पिन कोड जो रहेगा वो आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद दोस्तों अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे दोस्तों आपका यहाँ पे दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, अब यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप किस वर्ष में आप जो है पास किया है ये आपको एंटर कर देना है। मेन सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पे मेन सब्जेक्ट पूछता है, यहाँ पे आप क्या करना है कि अगर आप 12th में जो आपका साइंस स्ट्रीम था तो यहाँ पे आप साइंस स्ट्रीम भी यहाँ पे टाइप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम टाइप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस बात परसेंटेज पे आ जाना है, यहाँ पे आपका ग्रेड था, TGP था, परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी रहेगा आपको परसेंटेज, तो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे कितना परसेंट है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसा कि मेरा 74 है तो मैं यहाँ पे 74 कर दूंगा। स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी आपके कॉलेज का नाम रहेगा वो यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाता है, कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी है। अब आपका जो भी आपका बोर्ड है, जैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड टाइप कर लेता हूँ, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो यहाँ बिहार पर अपना करेंगे, झारखंड है या कहीं से भी है जो अपने बोर्ड का यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 12th+ डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्या है 12th आप डिटेल्स दे सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स हो 12th अंडर द ग्रेजुएट ये आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। यहाँ पे आपको जो पासिंग ईयर है वो चूज कर लेना है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों अगर PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो यहाँ PCM भी आप टाइप कर सकते हैं या साइंस स्ट्रीम भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परसेंटेज टाइप कर देना है कि आपका कितना परसेंटेज था, फिर आपके अपने कॉलेज का नाम जो आपका रहेगा आपके कॉलेज का नाम वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों फिर कौन सा बोर्ड है,
वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेव ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। स्कूली सब्जेक्ट ऐड सक्सेसफुली यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप क्या करना है, यहाँ पे प्लीज़ एंटर परसेंटेज ग्रेड सिस्टम ट्रांसफर, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव नेक्स्ट बटन करेंगे दोस्तों उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे एक डिटेल्स आ जाती है, यहाँ पे ये रिसर्च पब्लिकेशन आप यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिसनेलियस, अब आपको टाइम रिक्वायर्ड ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये जो ऑप्शन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, इसका मतलब ये है कि आप जो है कितना दिन का मोहलत ले रहे हैं, कितना दिन का टाइम ले रहे हैं, किसके अंदर आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो आपका जितने भी आप दिन का टाइम लेना चाहते हैं यहाँ पे आप एंटर कर, जैसे कि मैं यहाँ पे 15 दिन का टाइम लेता हूँ तो यहाँ पे 15 एंटर कर देता हूँ। डू हैव ए कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, तो नहीं है तो यहाँ पे आप सिंपली जो है यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ आपकी जो डिटेल्स पूछी गई हैव बीन डिबर्ड, आपको कभी निकाला गया है यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप यस कर नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हैव यू बीन इन्वॉल्वड इन, यहाँ पे आप नो करेंगे। हैव यू बीन इन्वॉल्वड फाइनेंशियल इररेगुलरिटी, यहाँ पे भी नो करेंगे, यहाँ पे भी नो करेंगे, यहाँ पे भी आप नो करेंगे। यहाँ पे जितने भी डिटेल्स है आपको सारा यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछता है टू फेमिलियर, यहाँ पे आप अपने फेमिलियर का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे आपके भाई या दोस्त किसी का भी यहाँ पे आपको नाम लिख देना है और यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, सबमिट का और एक कैंसिल का। तो इसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबमिट अभी कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज नोन पे आ जाना है। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं लैंग्वेज नोन, जैसे आप जो भी भाषा यहाँ पे जानते हैं, जैसे मैं हिंदी जानता हूँ, यहाँ पे मैं हिंदी में सब कुछ जानता हूँ, रीड राइट। उसके बाद यहाँ पे आप सेव ऐड के आपको क्लिक कर देना है, आपका जो हिंदी है वो सेव हो गया। जैसे अब मैं इंग्लिश जानता हूँ, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि मैं ये लैंग्वेज जानता हूँ, ताकि उस हिसाब से आपको प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। यहाँ पे दो लैंग्वेज मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको क्या सकते हैं देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ अभी बचा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको फिर सबमिट करके दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है फाइनली सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स रहेगा आपको यहाँ पे मिलाना है, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट सेशन पे आपको चला जाना है। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ एनओसी वगैरह मिलता है। एनओसी मतलब वो होता है कि जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो उसके लिए है। हैव यू अप्लाइड अगेंस्ट सम पोजीशन अलियन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्या करना है नो कर देना है। दोस्तों आपको बता दें कि ऊपर जो आपका यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स इफ एनओसी नॉट अवेलेबल, तो आपको क्या करना है इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर सेव नेक्स्ट सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे आ जाना, यहाँ पे डिक्लेरेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिल जाता है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड फॉर न्यू सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे फोटो आपको 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, यहाँ पे JPEG PNG फॉर्मेट में आपको चलेगा। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी रहेगा, यहाँ पे आपका 10वीं का सर्टिफिकेट JPEG PDF किसी भी फाइल में 100 से 500 KB के बीच में आपको यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड वोटर कार्ड जो आप यहाँ पे यूज़ किए हैं उसको लगाना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगी, अगर आप जो है SC ST OBC से हैं तो यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो दोस्तों आपको 100 से 500 KB के बीच में आपको यहाँ पे रखना है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे फिर स्क्रॉल करना है। फिर आपको यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे 10वीं का सर्टिफिकेट, अगर आपका सर्टिफिकेट अलग से यहाँ पे अपलोड कर देंगे, यहाँ पे 12वीं का भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का मिल जाता है, नेक्स्ट सेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा डिटेल्स रहेगा, आपने जो जो अपलोड किया है, आपकी जो फॉर्म में आपने जो भरा है वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको रहेगा।
अगर दोस्तों बता दें कि आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से भरते हैं तो आपकी फ़ीस कटेगी, वो भी जितनी फीस है, और अगर दोस्तों आप एससी का एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपकी फ़ीस नहीं होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिक्लेशन मिल जाता है, डिक्लेशन पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी टू अप्लाई, यहाँ पे अनरिजर्व मैंने किया है, तो यहाँ पे अनरिजर्व यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अनरिजर्व, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अनरिजर्व हो जाएंगे, नहीं तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे डिटेल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, एक डैशबोर्ड का आपको मैं हाईलाइट कर दूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड और यहाँ पे सबमिट माई फॉर्म। तो आप क्या करना है यहाँ पे, आप जो भी करना चाहते हैं यहाँ पे सबमिट माई फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट फाइल, आपका जो ये फॉर्म है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, डाउनलोड करते ही आपको यहाँ पे प्रिंट इसका रख लेना है ताकि भविष्य में आपका कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकें। तो आई होप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया, और नहीं समझ में आता है तो आप जो है कॉन्टैक्ट करके हमसे तुरंत पूछ सकते हैं इसके बारे में, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।